मैंने नहीं देखी किसी यंगस्टर को इतनी इतनी बड़ी स्टेज पे परफॉर्म करते हुए, और भाई उसने क्या बाले फेंकी हैं, 156 की बॉल कर गया लड़का। भाई शोएब अख्तर भी एक लम्हे को डर गया था कि ये कर क्या रहा है भाई, 156 तक उसकी बॉल गई है। बहुत सारे फास्ट बॉलर आए, लेकिन इनकी जो बॉलिंग थी ना एक ही तरह की, एक ही पेस में बॉलिंग उन्होंने, मतलब अपने चार ओवर्स में जो 10वां ओवर किया, 12वां, 14वां और 16वां ओवर किया है, वहां पे मैच पलट दिया। 150 पार कर गया वो, उसने लिटा दिया ओवर हाई बॉलर्स को। और मैं तो सीधा सीधा कहूंगा, एक हम भुगत रहे पता नहीं कितने सालों से एक बॉल वाला, उससे बेहतर लग रहा है हमारे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर के ऊपर कोई थूक भी नहीं रहा है, क्योंकि भाई आप खुद देख लो हारिस रऊफ टेपिया हैं, कितना तेज बॉल कर रहा था, कितनी जबरदस्त बॉल कर रहा था, लेकिन जो उसकी कुत्ते वाली धुलाई हुई पीएसएल के अंदर, सब ने मिलकर जो है बेचारे की चमड़ी उधेड़ दी, मार मार के उसका भूरता निकाल के रख दिया। 3 विकेट लेके गया और 155 का भाई स्पीड चल रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रही इतना बड़ा प्लेयर पता नहीं शोएब अख्तर दूसरा बनने वाला। ऐसे युवा खिलाड़ी हैं गलियों में, ऐसे बॉलर फिरते हैं जो कि स्पेशली हारिस रऊफ और नसीम है, हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी से तो अच्छे बॉलर है यार, बंदा डेब्यू में इतना परफेक्ट है, इतना पैस है, इतनी एक्यूरेसी है, साथ दिमाग भी है, हारिस रऊफ टेपिए वाला काम नहीं है। पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स की फैक्ट्री है, मेरा घंटा फैक्ट्री है, क्योंकि भाई पाकिस्तान में अब फास्ट बॉलर्स आपको नाम के देखने को मिल गए, क्योंकि भाई पूरी दुनिया इस टाइम पर हंस रही है हमारे ऊपर, क्योंकि भाई हम वो एक इंसान थे जो फास्ट बॉलर को ऐसे प्रोड्यूस करते थे जैसे कि भाई गंदम की फसल में गंदम प्रोड्यूस हो रही हो। जॉनी बेयरस्टो को समझ नहीं आ रही बॉल कीपर किस पास जा रही है, और बाद में जॉनी बेयरस्टो का रिएक्शन आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। शोएब अख्तर का कई सालों पुराना रिकॉर्ड एक इंडियन फास्ट बॉलर ब्रेक कर सके, बिलीव यू मी। मैन पीटरसन ने लिखा है, मैनिक जादे बॉलिंग 155 किलोमीटर पर आर, और नीचे बड़ा जबरदस्त लिखा उन्होंने, विल बी हैप्पी अ फास्ट 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 बॉलर। मतलब पाकिस्तान वालों को हमेशा से गर्व है, हमें हमेशा से ये बात पे फख्र था कि हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े पेसर्स हैं, दुनिया के सबसे तेज तरीन बॉलर हैं। आज मुझे शर्मिंदगी हो रही है लिटरली कि भाई हमारे पास ये पेस है, हमारे पास ये घंटे की पेस है, हमारे पास ये स्टार है। इस बच्चे को पहचान ले, सूर्य कुमार यादव से थोड़ी थोड़ी शक्ल मिलती है, ये आइंदा आने वाले दिनों में इंडिया से खेलेगा। लेकिन जो बॉलिंग की है बहुत तेज बॉलिंग की, मजा आता है, तो खैर नाम ही सुना हुआ था, और लेकिन जो बॉलिंग की है बहुत तेज बॉलिंग की, मजा आता है आपको, मतलब सेंसेशन यही होती है क्रिकेट में फास्ट बॉलर की होती है, और इंडिया में बैट्समैन बहुत सारे प्रोड्यूस हुए, पेस जब आती है ना तो पता चलता है कि आया है कोई, उमरान मलिक आया, जसप्रीत बुमराह आया, सिराज आया, बहुत सारे श्रीनाथ था, बहुत सारे फास्ट बॉलर आए, लेकिन इनकी जो बॉलिंग थी ना एक ही तरह की, एक ही पेस में बॉलिंग उन्होंने, मतलब अपने चार ओवर्स में जो 10वां ओवर किया, 12वां, 14वां और 16वां ओवर किया है, वहां पे मैच पलट दिया। दो बैट्समैन बैटर 50 रन पे बैटिंग कर रहे हैं, और इतने मोस्ट सीनियर, और एक पहला मैच खेल रहा हूँ, बहुत फर्क होता है। तो आज उन्होंने आईपीएल का मेला लूट लिया, पूरा पूरा का पूरा लेके चले गए, बहुत उमदा परफॉर्मेंस दी उन्होंने, आउटस्टैंडिंग। अब एक्शन का देखना पड़ेगा, लोग अभी तक जल्दी तो नहीं बता सकते, वो निकालेंगे अपने, लेकिन बहुत खूबसूरत बॉलिंग एक्शन लग रहा है अभी तक। मैंने नहीं देखी किसी यंगस्टर को इतनी इतनी बड़ी स्टेज पे परफॉर्म करते। आईपीएल 2024 के अंदर पंजाब किंग्स और लखनऊ के दरमियान बड़ा इंटरेस्टिंग मैच खेला गया। इस मैच के अंदर जो दिलचस्प बात थी वो ये थी कि मयंक यादव, जिनको पहली मरतबा डेब्यू करवाया गया लखनऊ के अंदर, उन्होंने आते ही 155.6 की पहली बॉल करवा दी, और जब उन्होंने अपनी बॉलिंग ऐड की तो उसकी एवरेज 156 किलोमीटर पर हार के हिसाब से बॉल की। पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो गया, पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि एक खिलाड़ी, एक बॉलर जिसको डेब्यू करवाया जा रहा है, डेब्यू के अंदर ही 156 की बॉल फेंक रहा है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि अगर मयंक यादव को प्रमोट किया गया, उनको मजीद मॉडिफाई किया गया, तो आने वाले दौर में बहुत जल्द वो शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ डालेंगे। मजीद पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि मयंक यादव की अच्छी बात यह है कि वो एक तो बॉल बहुत तेज करते हैं, लेकिन बॉल तेज तो हारिस रऊफ पाकिस्तानी टेप या बॉलर भी करते हैं, लेकिन मयंक यादव की खास बात यह है कि उनकी लाइन लेंथ बिल्कुल एक्यूरेट है। उन्होंने इतने ओवर करवाए, इतने ओवर कराने के बावजूद एक आधी बॉल भी कोई ऐसी जो लाइन लेंथ की उल्ट गुजरी, और कोई एक बॉल भी ऐसी नहीं थी जो वो जहां करवाना चाहते वहां पर ना जाए। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि फास्ट टेस्ट जो बॉलर होता है उसकी खूबी होती है कि उसके बॉल को देखना है अच्छा या बुरा है, तो आप उसके लाइन लेंथ को देखिए, अगर उसकी लाइन लेंथ एक्यूरेट है तो वो 100% बॉलर है, और यही खूबी है मयंक यादव की कि उनकी लाइन लेंथ बिल्कुल एक्यूरेट थी। मलदीप जमींदार का कहना है कि मयंक यादव ने कल बॉल की है, उसकी बॉलिंग ने सबको कर दिया, हैरानी इस बारे से कर दिया कि एक खिलाड़ी जो नया है, यंग टैलेंट है, पहली मर्तबा डेब्यू कर रहा है आईपीएल के अंदर, इतनी बड़ी टीमों में, इतने बड़े प्लेयर्स के सामने, इतने बड़े फॉर्म के ऊपर पहली मर्तबा डेब्यू कर रहा है, और डेब्यू करते ही पहले मैच में इतनी फास्टेस्ट बॉल फेंकता है कि बड़े बड़े वर्ल्ड को अपना देता है। इतनी तेज बॉल आज तक की तारीख में किसी बॉलर ने भी डेब्यू नहीं फेंकी जितनी ज्यादा तेज बॉल मयंक यादव ने अपने डेब्यू मैच में फेंकी है।
भाई उसने क्या बालें फेंकी हैं, 156 की बाल कर गया लड़का, 156 की बाल। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि एक लड़का अपना पहला मैच खेल रहा है आईपीएल जैसी सबसे बड़ी स्टेज के ऊपर, और आते सार वो प्रेशर में डाल रहा है जॉनी ब्रेस्टो को जो 100 टेस्ट मैच खेल चुका हुआ है, शिखर धवन को रूम ले रहा है शिखर धवन, और फिर भी शिखर धवन को समझ नहीं आ रही, जॉनी ब्रेस्टो को समझ नहीं आ रही बाल कीपर किस पास जा रही है। और बाद में जॉनी ब्रेस्टो का रिएक्शन आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। लड़के का नाम है मयंक यादव, लड़के ने 156 की बाल की है, इस आईपीएल की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट बाल मयंक यादव ने की है। और अभी मैं देख रहा था जो है वो एक वेबसाइट है क्रिकेट की, उसके ऊपर मैं तो नाम तो नहीं लूंगा, उसके ऊपर लिखा हुआ था राइट आर्म मीडियम फास्ट। मेरे छनकनो, ये राइट आर्म मीडियम फास्ट है बेटा, इसको राइट आर्म फास्टेस्ट फास्ट लिखो, मतलब बंदे ने क्या बॉलिंग की है यार। जब आप एक इस तरह के बॉलर को, एक यंगस्टर को जिसको आज पहला इस मैच में गुज़िश्ता रात पहला मौका मिला और उसने उस मौके को दोनों हाथों से दबोचा, ग्रैब्ड इट, और ग्रैब करने के बाद जो उसने परफॉर्मेंस दी है, जो बॉलिंग की है, भाई ये तो वाकई पाकिस्तान के ट्विटर में मैं अभी पढ़ रहा था ट्वीट्स, तो यकीन कीजिए बहुत सारे लोग ये पाकिस्तान में मान रहे हैं कि भाई इस लड़के के अंदर वो दमखम है कि दुनिया की जो तेज तरीन बॉल पाकिस्तान के शुएब अख्तर ने फेंकी थी अब वो खतरे में है, और खतरे में है इस यंगस्टर से, इस युवा खिलाड़ी से जिसने आके आईपीएल के रंग को मैं कहता हूं कि दुगना कर दिया।